सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद इंक्रेशन और मैं हूं विनय आपके साथ दोबारा। और इसमें हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में और साथ ही PDU के बारे में। तो ये जानते हैं क्या होते हैं दोनों चीजें और साथ ही हम जानेंगे कैसे नेटवर्क में डाटा फ्लो करता है और कैसे OSI मॉडल इसमें हेल्प करता है, जो कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि डाटा कैसे मूव करता है नेटवर्क के अंदर। ठीक, तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर लास्ट। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं डिलीवरी ऑफ नेटवर्क की, मॉडम की, स्विच, हब और राउटर। ये हमने आपको सवाल दिया था जो अभी भी आपके पास सवाल है। अगर आपके पास आंसर है तो मैं लिख के भेजे, और अगर आपके पास आंसर नहीं है तो गूगल जाए, सर्च करें, दिमाग खर्च करें और आगे बढ़े। ठीक, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसके ऊपर छोटी सी बात कर चुके हैं अपने पहले की वीडियो सेशंस में, बट हम यहां बात करेंगे डीपली ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए और आप कंफ्यूज ना करें दोबारा करके। ठीक, सो आगे, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, और नेटवर्क क्या हो गया? द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू नोड्स और होस्ट या फिर कंप्यूटर। ठीक है, तो दो कंप्यूटर के बीच में डाटा कैसे ट्रेवल करेगा और कैसे वो चीज, वो मैसेज, वो डाटा फर्स्ट एंड से सेकेंड एंड तक जाएगा, किस प्रोटोकॉल के तहत होते हुए, किन किन नियमों के तहत होते हुए, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा मैसेज का, कैसे वो पूरा पाथ ही होगा मैसेज के फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उन सबको हम कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नोटिस निकल के आती है कि द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इन शॉर्ट। बाकी डिटेल्स के आप गूगल कर सकते हैं या फिर हमारे ई बुक या फिर कोर्स में से या फिर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया, इतना क्लियर हुआ ये वर्ड का टर्म्स का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क, जहां पे दो नोड्स हमने जोड़े हो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, और प्रोटोकॉल जो उस कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जिनके निर्देश अनुसार ही प्रोसेस को और उस पूरी प्रोसेस के होने में हेल्प करें, ये होता है प्रोटोकॉल। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सो समझ में आया नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स जो कि आपको गवर्न करता है कि इस नोड से इस नोड के बीच में जो डाटा है उसका स्ट्रक्चर, डाटा का स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसमिशन, उसका पूरा कनेक्शन कैसे कैसे होगा और कैसे वो नेटवर्क काम करेगा, इन सब के लिए हम वो प्रोटोकॉल्स या फिर वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं जो कि हमें हेल्प करे हमारे काम को होने में। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं अब ये नियम जो काम आते हैं कम्युनिकेशन में उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ठीक है, एग्जाम्पल TCP/IP और HTTP प्रोटोकॉल और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, FTP, SMTP, ये सब अलग अलग यूज के लिए अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर करने के लिए, SMTP होता है मेल के लिए, ठीक है, और HTTP होता है वेब ब्राउजिंग करने के लिए, और TCP/IP होते हैं नेटवर्क और कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन्हीं सब का यूज करते हैं हम जब हम नेटवर्किंग में कुछ भी चीजें शेयर या फिर रिसोर्सेज यूज करते हैं। ठीक, तो अब आगे, तो अब आती है एक मोटी बात, आप यहाँ पे ए पे हैं और आपका फ्रेंड यहाँ बी पर है, आपने जब कुछ डाटा सेंड किया तो वो कुछ तरह के प्रोटोकॉल से होता हुआ जाता है इसके पास। ठीक है, जैसे कि TCP/IP, HTTP, ये हुआ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ये हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हुआ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो कि एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है ताकि आप वेब ब्राउजर को, वेबसाइट को आप देख पाए। इसी के अलावा नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल जो ये काम करता है हमारे फिजिकल लेयर पे। ठीक, तो इतना समझ में आया, इन चार तरह के प्रोटोकॉल से होते हुए आपका डाटा फ्रॉम ए टू फ्रॉम बी जाता है। तो हम यही समझेंगे हम कि कैसे जो भी आप डाटा या सेंड मैसेज करते हैं, आपने टेक्स्ट भेजा, अपने फाइल भेजी, अपने डॉक्यूमेंट भेजा, अपने वीडियो भेजी, वो आपके विंडो चैट से उसकी विंडो चैट तक कैसे पहुंचेगा। तो ये चार प्रोटोकॉल्स के होते हुए अब कैसे, यही हम जानेंगे आगे। ठीक है, नेटवर्किंग के मॉडल्स में। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम नेटवर्किंग के मॉडल्स की। तो नेटवर्किंग मॉडल, अब पहले बात समझो, ये है मॉडल यानी कि डाटा, यानी कि इसे हम कह सकते हैं थ्योरिकल पोर्शन। मतलब क्या ऐसा माना हुआ है कि जब डाटा ए से डाटा बी तक जाएगा तो ये जो मॉडल है ये बताते हैं कि कैसे जाएगा, कि जिन पैरामीटर को हम मान के चल रहे हैं कि इन्हीं के अंतर्गत ही काम हुआ होगा।
ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट पाथ नहीं है, बट ये उस पूरे पाथ का सिमुलेशन है जो कि समझाता है कि कैसे काम हुआ होगा पूरे नेटवर्क के बीच में, काम किस तरह से, ताकि वो चीज उस जगह तक पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच पाए। ठीक, समझ में आया? सो नेटवर्किंग मॉडल जो होता है वो आप एक बात ध्यान में रखें कि ये कोई एक्चुअल पाथ नहीं होता किसी भी नेटवर्क में डाटा ट्रेवल करने का, ये बस एक हम कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एक्चुअल में काम चल रहा होगा, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके दो फ्रेमवर्क होते हैं, एक OSI मॉडल और एक होता है TCP/IP। वैसे अपनी वीडियो में TCP/IP और OSI मॉडल कवर कर ही चुके हैं, TCP/IP हमारी बुक्स में और OSI मॉडल हमारी प्रोडक्टिविटी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे छोटा मोटा मोटा। और OSI मॉडल करता है 7 लेयर्स का, और TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है, मतलब जो ये वाला मॉडल है, ये करता है 4 लेयर्स का काम। इसमें 2 लेयर बढ़ जाती है, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, लेकिन इसमें हम मानते हैं सिर्फ 4 लेयर जो कि होती है एप्लीकेशन और नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट और साथ में फिजिकल या फिर डाटा लिंक। ठीक, इसमें 7 भी होती है, 7 में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जोड़ के अगर हम बात करें। इससे पहले कि हम कोर्स में आगे जाएं और हम OSI और TCP/IP ये जो हमने मॉडल बात करी अभी इनके बारे में पढ़े, पहले हम एक चीज कंफर्म करेंगे, डिमांड में क्लियर करेंगे व्हाट इज PDU, क्या होता है ये। ठीक है, यूनिट, इसको समझते हैं और डिटेल में। 4 प्रोटोकॉल अभी हमने बात करी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और फिजिकल डाटा लिंक। तो इन चारों प्रोटोकॉल पर जब डाटा जो है आपका वो जाएगा और इन चारों से होता हुआ पास होके इस तक पहुंचेगा, तो हर लेयर पे जो आपका डाटा था उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सेगमेंट जुड़ जाते हैं। मैंने बताया था ना पहले कि डाटा जो होता है वो सेगमेंट में जाता है टूटते हुए, तो हर सेगमेंट पे लेबलिंग होती है, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जुड़ जाती है इसके साथ, हर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हर लेवल पे कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगी, ताकि जो डाटा है वो इतने बड़े नेटवर्क में सही जगह पर पहुंचे। ठीक है, इसलिए ये होता है। तो हर लेयर पे जब आपके डाटा की यूनिट बदलती है प्रोटोकॉल में ट्रेवल करते वक्त, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, जो कि होती है या तो बिट या फिर फ्रेम, डाटाग्राम, पैकेट, सेगमेंट, ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक है, बिट, सेगमेंट, फ्रेम, डाटाग्राम, पैकेट, ये सब हम बोलते हैं डाटा को जब वो अलग अलग लेवल से अलग अलग लेयर से होता हुआ नेटवर्क में ट्रेवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। हर एक लेवल पे, हर एक लेयर पे डाटा के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जुड़ती है, ताकि वो पूरे नेटवर्क में गाइड तौर पे बिना भटके सही जगह पर जा पाए। तो इसीलिए हर लेवल पे डाटा को बोला जाता है एक अलग नाम के साथ, जो कि इनमें से कोई एक हो सकता है, और यही हम आगे अब इसमें कवर करेंगे। छोटा टॉपिक था, मैंने पहले कवर कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो हम आते हैं अपने दोबारा प्रोटोकॉल के ऊपर। ठीक, खुद से पढ़ने की और अपने आप से पढ़ने का एक फायदा है कि आपको कभी भी ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आप कितना पढ़ें, आप जितना मन चाहें उतना पढ़ सकते हैं। तो TCP और IP और साथ ही साथ इन्हीं प्रोटोकॉल के ऊपर डिटेल जानकारी के लिए हमने बना रखा है TCP/IP का एक स्मॉल सेपरेट कोर्स, जिसपे हम काम कर रहे हैं, जो कि अगले महीने के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट्स में, जितना कि हमने कोर्स में भी कवर किया है, और ये फंडामेंटल कोर्स था नेटवर्किंग का। ठीक, नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, P स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना, तो पढ़ते हैं आगे। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, ये होता है आपका, आपकी विंडो पे जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए मैं चैट कर रहा हूँ फेसबुक पे, ये मेरी फ्रेंड है जो कि ऑनलाइन है, तो अब इसको मैं अगर टेक्स्ट करता हूँ हाय, विंडो पे मैं ये काम कर रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है प्रेजेंटेशन पूरा, उस पूरे लेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। इसका काम क्या होगा, डाटा को एनकोड और डिकोड करना, क्योंकि यही पहली चीज है सेंड करने वक्त और लास्ट पॉइंटर रिसीव करने वक्त। तो एनकोड, तो जो मैंने बताया था एनकोड और डिकोड, वो इसी लेयर पे होता है। ठीक, और दूसरा इसका काम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, समझ में आया। तो चलते हैं अगला, ट्रांसपोर्टर की तरफ। इसके नाम में क्लियर है, ट्रांसपोर्ट मतलब कि किस चीज को यहां से वहां भेजना, तो इस तरह काम होता है जब डाटा यहां से मैंने भेज दिया जो कि एनकोड या डिकोड हो गया, मतलब अभी हम यहां से भेज रहे हैं
हाय, तो ये हुआ इस लेयर पे एनकोड, और फिर ये होगा ट्रांसपोर्ट टू द एंड, अगले वाले एंड तक, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का काम ये होता है। अब ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन इंटरनेट प्रोटोकॉल किस काम आएगा? अब इतने बड़े इंटरनेट पर जहां पे कि लोग दुनिया भर के बैठे हुए हैं, कौन सा तरीका बेस्ट होगा इस डाटा को ट्रांसपोर्ट करने का, वो गवर्न करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आता है नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल में जितना भी हार्डवेयर कोई अगर आपके नेटवर्क से कनेक्ट है, तो उन सब की मैपिंग या फिर उन सब के साथ जो हम कन्वर्जन ऑफ डाटा करेंगे, उसे हम कह सकते हैं कि वो नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सारा आता है। जितना भी आपका हार्डवेयर लिंक है आपके नेटवर्क के साथ, वो सारा काम करता है नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ठीक। इसे समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम होगा, ठीक। सो ये है आपका पीसी, ये है आपकी गर्लफ्रेंड का पीसी, ठीक है। आपने भेजा हाय, हाउ इज द डे, ये आपने जो भेजा डाटा अभी, जो आपने अभी टाइप किया, भेजा नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, भेजो मत, टाइप करके रखो। तो ये आप काम कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन लेयर पे, आप अपने सिस्टम के एप्लीकेशन लेयर पे बैठे हो, और आपको डाटा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, आपको पूरी फेसबुक की पूरी जो प्रेजेंटेशन है, पूरे ऐप का लेआउट है वो दिख रहा है, आपने डाटा टाइप कर दिया, अब आपने इसको सेंड किया, यू हिट एंटर, डाटा एप्लीकेशन लेयर से एनकोड होके, पहले वो एनकोड होगा और वो अब चले गया नेक्स्ट लेवल के लिए। इसका काम इतना ही था, डाटा को रिप्रेजेंट करना, उसे एनकोड कर देना अगर वो सेंड हो रहा है, और जब रिसीविंग एंड पे आएगा तब की बात तब करेंगे, पहले अभी समझो आधी कहानी। डाटा को इसने आपको रिप्रेजेंट किया, और आपने जो भेजा उसने उसको एनकोड करके आगे ट्रांसफर कर दिया इस लेयर के पास। इसका काम है डाटा को यहां से इस एंड तक भेजना, लेकिन भेजने के लिए शॉर्टेस्ट रूट चाहिए, भेज तो ही देगी, लेकिन जो रूट चाहिए शॉर्टेस्ट रूट, वो पता करेगा ये लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसको देगा शॉर्टेस्ट लेयर और एक रिलायबल कनेक्शन, कैसे भेजना है इस एंड तक, और ये उसे भेज देगा। नेटवर्क एक्सेस लेयर, डाटा यहां तक समझ में आ गया कैसे ट्रेवल करता है। अब ये लेयर इस पूरे रास्ते पर जो उसने ढूंढ के दिया, उसमें जहां जहां पर राउटर लगा होगा या फिर हम क्या ये मॉडेम लगा होगा, वहां वहां पर फिजिकल लेवल पे जो कन्वर्जन होता है, फिजिकल लेयर पे जो कन्वर्जन होता है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, वो काम ये करेगा, ठीक है। उसके बाद अब जब डाटा यहां तक पहुंचा, अब हम बात करते हैं कि डाटा पहुंचा इसके स्क्रीन पर, जो उसने देखा हाय हाउ इज द डे, ये तुमने लिख के दिया है, ठीक है। तो जब डाटा ने एक बेस्ट रूट ढूंढ लिया, और वो ये करते 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 इसके ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंच गया, तो उसकी एप्लीकेशन लेयर तुम्हारे पहुंचे मैसेज को, जो कि सेगमेंट होते हुए आया था पीडीयू यूनिट्स के साथ, क्योंकि हर लेयर पर नाम होता है, तो जब वो अब इसके पास पहुंचा इसके एप्लीकेशन लेयर पे, तो इसने आपका मैसेज को डिकोड किया। क्या किया? डिकोड, क्योंकि यहां तक तो एन्क्रिप्ट था ना, यहां पे उसने इसको डिकोड किया, और अगेन इसको प्रेजेंटेशन मैसेज कर दिया कि मैसेज आया हुआ है हाय हाउ इज द डे। समझ में आया? तो ये चार लेयरें ऐसे काम करती हैं, आपकी डाटा भेजने से लेकर डाटा के पहुंचने तक। आपने डाटा भेजा, एप्लीकेशन ने डाटा पढ़ लिया, एनकोड किया और आगे भेज दिया। इसका काम है डाटा को भेज देना, लेकिन बेस्ट वे चाहिए, ये ढूंढ के देगा, और उस बेस्ट वे में जहां जहां पर उसको कन्वर्जन हो रहा होगा सिग्नल्स का, वो ये करेगा। अब इसके पास ट्रांसपोर्ट लेयर ने पहुंचा दिया इसके माध्यम से, तो यहां पहुंचने के बाद एप्लीकेशन लेयर में इसके मैसेज को, जो कि एनक्रिप्ट था, उसे डिकोड किया और इसे शो कर दिया हाय हाउ आर यू। यही चार लेयर है जो काम करती है, और इन्हीं चार लेयर्स में अगर डाटा ट्रेवल कर रहा हो इस लेवल पे, तो उसे हम कहते हैं बिट। उसके बाद हर लेवल पे इसका नाम बदलता चले जाता है, लाइक अ फ्रेम, डाटाग्राम, पैकेट, सेगमेंट, ऐसे करके। समझ में आया? बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक। एक बार रिवाइंड करना और दोबारा देखना, फाइन। अब बढ़ते हैं आगे। सो अब हम पहुंच चुके हैं इस कोर्स की वीडियो के एंड पे, और इस कोर्स की वीडियो में आते आते हमने जान लिया कि नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैसे नेटवर्क काम करता है, क्या नेटवर्क होता है, कैसे लोग बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे डाटा को ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ठीक। इससे पहले कि मैं जाऊं और मैं नया कोर्स लेके आऊं, मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई सुझाव, कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई रिव्यू पर, तो आप उसे हमारे पेज पर या हमारे ईमेल पर या फिर हमें यहां पर कमेंट करके बताएं, और साथ ही नए और कोर्सेज के लिए बने रहें हमारे साथ। हेल्प विद एजुकेशन में मैं हूं विनय भट्ट, आपका होस्ट, आपके साथ।